अपार प्यार मिल रहा है, जितना सोचा नहीं था इतना प्यार मिल रहा है। लोग मेले में आते हैं और कहते हैं कि आपने ही रौनक लगाई हुई है, हम तो आप ही को देखने के लिए आए हैं। बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, पंजाब से हमें पहले से ही प्यार मिलता रहा है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, कोई उत्सव, कोई पर्व मनाया जाता है तो इस ग्रुप को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। हम लोगों ने भारत के अलावा कई फॉरेन कंट्रीज में भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, जैसे दुबई फेस्टिवल, इटली, कनाडा और जापान जैसे कई आदि देशों का भ्रमण यह ग्रुप कर चुका है। धीरे धीरे ये कला जो बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है, अब ये खत्म होने की कगार पर है। जब बीन खत्म हो जाएगी, सपेरा भी खत्म हो जाएगा। सरकार हम लोगों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मेला पर्व ऐसे कोई फंक्शनों में बुलाए तो ये कला विलुप्त होने से कुछ बच सकती है। सरस मेले दे विच तुहानू पूरे भारत की जिहड़ी विरासत वेखण नू मिलेगी अते हर तरह का संगीत तुहानू इत्थे वेखण नू मिल रहा है। तो हरियाणे तो एक ग्रुप है जिहड़ा स्पैशली तुहानू विखेगा, जिहड़ा सरस मेले दे विच पूरियां रौनकां लाईयां, डिफरेंट तरह का म्यूजिक है, परंपरागत म्यूजिक है। उन्हां नाल गलबात करदे आ कि कदों तों इस मेले दे विच शानो शौकत लगा रहे ने, रौनकां ला रहे ने। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर आपका ग्रुप कहाँ से है? हम लोग पलवल हरियाणा से हैं और ये जितने भी कलाकार इस ग्रुप में हैं सारे नाथ जोगी समुदाय से संपर्क रखते हैं और इस समुदाय के गुरु, इष्ट गुरु, आदि गुरु कानीपा नाथ हैं। वह जिस भी गांव बस्ती में बीन बजाते थे सब रोगियों के रोग दूर हो जाया करते थे, इसलिए वह कभी एक जगह न ठहरते, सीधे भ्रमण करते रहते थे। बीन बजाना, जंगल से सांप पकड़ना, जड़ी बूटियाँ प्राप्त करके मजमा तमाशा लगा करके आजीविका चलाना हम लोगों का एक रोजी रोटी का महत्व था, लेकिन आज इस कला ने एक नया मोड़ लिया है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, कोई उत्सव, कोई पर्व मनाया जाता है तो इस ग्रुप को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। हम लोगों ने भारत के अलावा कई फॉरेन कंट्रीज में भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, जैसे दुबई फेस्टिवल, इटली, कनाडा और जापान जैसे कई आदि देशों का भ्रमण यह ग्रुप कर चुका है। हम लोगों का जो खानदानी काम था, सांप का तमाशा दिखाना था, सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो धीरे धीरे सांप खत्म हो गया, सपेरा भी खत्म होता जा रहा है। जब सांप ही नहीं रहेगा तो सपेरा कहाँ से रहेगा? तो सरकार से अभी हमारी यही गुजारिश है, मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान में लिखा है कि किसी का काम छीनने से पहले उसको कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। जब हमारा पुश्तैनी काम सरकार ने बंद कर दिया है सांप दिखाना का जो, तो हमें कुछ ना कुछ हमें भी रोज़गार दिया जाए, कोई ना कोई हमें नौकरी में आरक्षण दिया जाए। हम लोग जनजाति समुदाय से आते हैं, ST का दर्जा रखते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हमें SC में डाला गया। ऐसी कैटेगरी में और बहुत सारी बिरादरी आती है, उनका ही फ़ायदा होता है। हम लोगों का हमें ST का दर्जा मिलना चाहिए और धीरे धीरे ये कला जो बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है, अब ये ख़त्म होने की कगार पर है। जब बीन ख़त्म हो जाएगी, सपेरा भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भारतवर्ष को सांप और सपेरों का देश कहा जाता है। जब पहली का कायदा पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें भी सह से सपेरा पढ़ाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे सांप और सपेरा सब कुछ खत्म होने के कगार पर है। सरकार हम लोगों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मेला पर्व ऐसे कोई फंक्शनों में बुलाए तो ये कला विलुप्त होने से कुछ बच सकती है। तो आपकी यही मांग है कि जिस तरीके से आपकी कला है, जो परंपरागत कला है, उसको ख़त्म ना किया जाए। सो क्योंकि पुश्तों से चली आ रही है, उस चीज़ के लिए आपकी मांग है। सो सर आप कब से इस ग्रुप में हैं, कितने साल पुराना आपका ये ग्रुप है? जी हमारा तो एक खानदानी पेशा है, हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े सब इसी काम को करते हैं। शुरू से हमारा यही काम होता है, बीन बजाना या सांप पकड़ना। अब धीरे धीरे सरकार ने पाबंद कर दिया, तो अब सांप पकड़ना तो सपेरे ने सब बंद कर दिया है, तो सांप सपेरे का तो अब संबंध टूट जाएगा, तो फिर ये सपेरा भी ख़त्म हो जाएगा। बीन और सपेरा जब भी चलाता है, ये फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो इसीलिए अब ये सरकार से प्रार्थना है कि जो हमें कोई हमें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे मेले में आपको कैसा लग रहा है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों को? बहुत प्यार मिल रहा है मैम, अपार प्यार मिल रहा है, जितना सोचा नहीं था इतना प्यार मिल रहा है। लोग मेले में आते हैं और कहते हैं कि आपने ही रौनक लगाई हुई है, हम तो आप ही को देखने के लिए आए हैं। बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, पंजाब से हमें पहले से ही प्यार मिलता रहा है। और रही बात बेरोज़गारी की, मैम मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद भी मैं बेरोज़गार हूँ,
क्योंकि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम कुछ दिया नहीं है, वन्य जीव एक्ट लगा दिया। गवर्नमेंट सभी के लिए कुछ ना कुछ करती है, तो हमारे लिए भी कानून में संशोधन करके या तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए या फिर अल्टीमेट कुछ हमें बिजनेस दिया जाए, साइड रोज़गार को दिया जाए। ये जो चिड़ियाघर होते हैं उनमें वैकेंसी निकलती है, हमारे लोगों को पता है कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उनको क्या खिलाया पिलाया जाता है, तो हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ दिया जाए। लेकिन कहीं भी अभी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारे देश में कम से कम लाखों में हमारी तादाद है भारत के अंदर, और सभी बेरोज़गार, और सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल पूरी तरह से वंचित है हमारा समाज। कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं है, समाधि स्थल के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारी समाधि लगती है, दफनाया जाता है, समाधि स्थल के लिए भी कोई जगह नहीं है, सभी अस्थायी रह रहे, स्थायी रूप से किसी को ज़मीन नहीं दी हुई है। तो इस बात पे गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे और ये करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप एक पढ़े लिखे कह रहे हैं कि आप हैं, लेकिन आपको फिर भी अल्टरनेटिव नहीं दिया जा रहा जॉब का, सो ये चीज़ें इनके लिए आप मजबूर भी हैं और आपकी परंपरा है, आपने जीवित भी रखनी है। सो हम भी सरकार तक यही मांग पहुंचाना चाहेंगे कि इनकी मांगे को ज़रूर पूरा किया जाए, जो भी इनकी जो भी इनकी मांग है, क्योंकि ये परंपरागत जो परंपरा है उन्हें भी जीवित रख रहे हैं, मेले में शोभा भी बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ज़रूर सुना जाए।